हरे कृष्णा, श्री राधा रानी की सो वी लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल मर्सीफुल धाम ऑफ बरसाना एंड वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू बी इन दिस लैंड ऑफ ब्रजभूमि एंड इन दैट ऑल्सो इन दिस धाम ऑफ बरसाना ना जब ब्रह्म आ रहे थे तो सब भक्त डर गए थे, अरे बंदर है बंदर है बंदर है, और अपने चश्मे संभाल लेकर तो कृष्ण कुंड में वो वहां पर एक माता जी आई बाहर और बोली, अरे ये जो बंदर है ना ये वृंदावन के बंदर नहीं है, नटखट नहीं है, ये बड़े ही कृपालु बंदर है। तो बरसाना धाम इज कृपालु धाम, यहां पर बंदर भी शांत हो जाते हैं। तो रिसेंटली आई वॉज इन वन टॉप मेडिकल कॉलेज एंड देयर दे कॉल्ड अस फॉर सम सेमिनार, और सेमिनार भी कौन सा था, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपको है ना हमेशा रिलेशनशिप बोलने के बाद बस। सो व्हेन वी वेंट देयर, न्यू स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं कॉलेज में और इनका फाउंडेशन कोर्स है, सो सब परेशान हमको देखकर, न बाल है न माल है, ये कुदरत का कैसा कमाल है, सब लोग सोच रहे हैं ये कौन आया है भाई, किसको लेकर आ गए इधर, और वो भी किस पर, रिलेशनशिप। ये क्या हमें सिखाएंगे रिलेशनशिप। सो देन थिंक वेंट बाय एंड देन दे वर कंफ्यूज, यार किसको हम, किससे हमने सुन लिया, क्या हम समझ रहे हैं, and they were like, oh very good very good very good after the class. So many times it happens like this, you enter in some strange territory and everyone feels, dekhte kon hai kon hai kon hai, aur bahut se log yahan pe dhoond rahe prasad wala kon tha, jo last do din jisne prasad diya kon hai wo, agar mil jaye to de dena na, na pasta mila sirf टेंशन मिला, हाँ आलू पर आलू पेटिस भी नहीं मिला, कौन है वो, सो पानीपुरी भी नहीं मिला कौन है वो, तो मैं हूं वो अभी आप सबकी निगाहें मुझ पर लगी रहेगी। बट दिस धाम, दिस स्पेशल प्लेस बरसाना इज वेरी मर्सीफुल एंड व्हेन वी आर हियर, that is the extreme fortune which we have got, hame mila hai wo hai hamare acharyon ke karan, hamare guru varg ke karan hame ye saubhagya prapt hua hai ki hum yahan par aakar barsana dham mein radha rani ke samne apne haathon ko phaila kar kuch maang sakte hain. Is sansar mein kuch cheeze aur kuch log कीमत से मिलती है ना, पैसा फेंको तमाशा नहीं, कीमत तो आपको जो चाहे वो मिल जाएगा, कुछ चीजें कुछ लोग कीमत से मिलते हैं, कुछ चीजें कुछ लोग किस्मत से मिलते हैं, है ना, मेरे किस्मत में तू है या नहीं है, कोई किस्मत से मिला है कुछ, कुछ चीजें किस्मत से मिल जाती है, लेकिन भक्त और भक्ति केवल कृपा से ही प्राप्त होती है, ना कीमत से ना किस्मत से, केवल कृपा से ही प्राप्त होती है, और वही कृपा हमको सब प्राप्त हुई है हमारे आचार्य वर्ग के द्वारा, ना हमारी किस्मत अच्छी है ना,
सब वन साइडेड में ही एंड हुआ है, लेकिन ना कीमत से कुछ खरीद पा रहे हैं। लेकिन हमें क्या प्राप्त हुआ है? कृपा प्राप्त हुआ है, और वो कृपा के कारण ही हम यहां पर बैठे हुए हैं। एंड वी ऑल आर फैसिनेटेड इन दिस वर्ल्ड, वी ऑल आर फैसिनेटेड बाय सम ग्रेटनेस और पावरफुल थिंग्स, है ना? कुछ ऐसे करके दिखाए जो हम में से कोई कर नहीं पाए, है ना? चमत्कार को नमस्कार। और ऐसा कोई चमत्कार कर दे तो हम पागल हो जाते हैं, जो हम कर नहीं पाते, हम उसके पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि इट अट्रैक्ट्स, मैजिकल थिंग अट्रैक्ट्स। अगर मैं यहां पर बैठे बैठे आप सबको हाथ में रसगुल्ला दे दूं, है कि नहीं? बोलेगा वाह, सबको आपके हाथ में पानी पूरी आ जाए, क्या आलू टिक्की आ जाए, बोलेंगे प्रभु जी आप पहले क्यों नहीं ये किए सर? We all get attracted to magical thing. Yesterday, Rasikanand Prabhu's disappearance day was there. Rasikanand Prabhu हमारे आचार्य हैं। इनके इनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, अरे एक बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, इतना मैजिक करते हैं। वो दांत कर रहे थे अपने दांतों से, नीम के दांतों से दांत कर रहे थे। तो बोले अच्छा, बहुत जादू टोना सिद्धि प्राप्त है उसे। उन्होंने क्या किया, अपना दातुन लिया और दातुन पे पूरे गांव का शेर करा करा के दातुन पर बैठकर फ्री में फ्लाइट हो गया उनका। और जब ये व्यक्ति ने देखा, अरे भक्त के पास भी इतनी शक्ति है। कभी कभी भक्तों को लगता है कि अरे हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन रसिकानंद प्रभु पूरा दातुन पर बोला, इसके सामने उसकी सिद्धि ठीक है? बोला नहीं, भक्ति की सिद्धि श्रेष्ठ है। नाउ वी गेट अट्रैक्टेड टू मैजिक, वी गेट अट्रैक्टेड टू पावरफुल थिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए प्रभु। एंड आवर हार्ट गेट्स अट्रैक्टेड टू दैट, वी थिंक अरे हमारे पास भी अगर होता। बट देवता दे डोंट गेट अट्रैक्टेड टू ऑल दोस थिंग्स। उनके लिए ये क्या है, जैसे हमारे मुंबईया लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चिंदी। अगर तुम कितना भी कुछ मैजिकल फिट्स करके दिखाओ उनको, दे कैन नॉट, अरे सब चालू माल है, क्या सिद्धि करके दिखाएंगे? उनके सामने कितना पेड़ा लाके दिखाएंगे आप? बोलेंगे अरे हमारे पास तो इसके पास से बड़ी बड़ी सिद्धि है। सो दे डोंट जनरली गेट अट्रैक्टेड टू एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स व्हाट वी डू। यू नो व्हेन हम फाइट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे को गाली क्या देते हैं, कुत्ते कहीं, है कि नहीं? जब देवता लोग अपने आपस में फाइट करते हैं तो क्या कहते हैं वो, मानव कहीं के गाली है, मानव करके कहीं के गाली है, गाली। तो वो कुछ हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम जो दिखाना चाहते हैं उससे कुछ इंप्रेस नहीं होते, वो इंप्रेस होते हैं कुछ और चीजों से। वे जानते हैं कृष्णा इज मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी एंड कृष्णाज मैजिक इज अनलिमिटेड। क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये तो उनके बाएं हाथ के बाएं उंगली का, छोटी सी उंगली का नाखून के बराबर भी नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण को ये सब मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। सो देवता हैज सीन दोस थिंग्स। सो दे जनरली आर नॉट, दे नो व्हाट इज कृष्णा, हु इज कृष्णा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, दैट इज कृष्णा। एंड उसके अलावा भी कुछ अगर जगह है, उसके अलावा भी अगर कुछ रास्ता है, कृष्णा कैन डू दैट। देवता नोज दिस, देवता अंडरस्टैंड दिस, दे आर नॉट फैसिनेटेड बाय कृष्णास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। राजमा खाया, राजमा, व्हाट इज राजमा, द राजमा लुक्स
like kidney. They are called kidney beans. And they are very good for kidney. Carrot, gajar. Gajar ke andar ka jo, aap usko kaatoge, to the design you see, what is that? It is the design of your retina, eyes. Aur gajar kiske liye acha hota hai? Eyes ke. Just see Krishna's creation, Krishna's magic. Krishna, tua jagat vichitra. कृष्ण का जो जगत है वो उन लोग जानते हैं, देवता लोग जानते हैं कि अरे ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, किधर भी कुछ भी फिट करवा सकते हैं. बट सच देवता ऑल्सो दे गेट बिविल्डर. मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारि मृदाम विनमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना सेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि. इवन देवतास दे गेट बिविल्डर, दे गेट कंफ्यूज, नॉट कृष्णाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर. व्हाट दे गेट कंफ्यूज विद, व्हेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बिकम्स ऑर्डिनरी, व्हेन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॉड, when he becomes ordinary, that time they get bewildered. Muhyanti yat suraya, even demigods, devta log bhi mohit ho jate hain. Kya re ye sahi mein Krishna hai kya? Ye sahi mein supreme personality of Godhead hai kya? Ye sahi mein Bhagwan hai kya? And that is what this land is. Extraordinary becomes ordinary. The land of ordinary personality. And hum kehte hain supreme personality of God hai. But this is the land of ordinary personality of God hai. And here, in this place, Krishna becomes a doll in the hands of devotees. Ordinarily he acts. So one day, with all of his friends, he came to Gocharan in these fields of Raja. He was doing Gocharan. And one day, all the devotees, all the friends, Gopal friends of Lord Krishna, they came together, and every day they would come together, and what they would do? They would eat together, hai na? The original khub jamegaran. They would come together and they would have feast together, hai na? Khub jamegaran, jab hum hai bhakto ke sang. ना हमारे दिमाग में कुछ और ही चलने लग जाता है. सो दैट डे व्हाट कृष्णा इज डूइंग, कृष्णा इज एंजॉयिंग, कृष्णा इज जोकिंग, एंड दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट टू गिव योर हेड अ हैंग, यू नो, क्या करूं प्रभु जी, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, कैसे जप करूं, है ना? यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, गौरंग प्रभा सिंह कौन लेकर आया मुझे भक्ति में, कौन लेकर आया? सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट टू मेक पीपल मिजरेबल. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट टू मेक पीपल फील सफर. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू मेक पीपल हैप्पी. And here Krishna with all of his friends, what he's doing? He's enjoying, joking, laughing. And what Prabhupada has told us? Chant and be happy. Chant and be happy. Not unhappy. Not sad. And one time, one devotee came in the morning. Morning जब हमारे टेम्पल में होता है ना,
आई होप यू ऑल नो, मॉर्निंग में जपा करते हम लोग, रात में नहीं. सो वन डे वन कैमरा मैन केम, वो फॉरेनर समथिंग, एंड ही वॉज इन अवर दादा गोपीनाथ टेम्पल. ही वॉज ट्राइंग टू गेट बेस्ट फोटोज. कौन अच्छे, मीन्स एवरी वन वॉज इन मेडिटेटिव मूड, और मेनी पीपल विथ दैट मेडिटेशन, यू नो, दे गो इन टू लीलास्थली, डिफरेंट लीलास्थली. एंड दिस पर्सन थॉट, अरे अभी ये, अरे बहुत ही मेडिटेटिव लग रहा है, जबकि वो मैं, मुझे लगा यार इसका फोटो लेगा क्या, क्या होगा इसका, मीन्स ही वॉज यू नो स्लीपिंग. एंड वो जस्ट फोटो निकालने वाला था, तो वो एकदम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. सो ये बोला, अरे ये अचानक इसको क्या हो गया. He was just sitting like silently like this, and the camera was moving like this, and suddenly the bhakta got immediately, usko thoda inspiration aa gaya hoga, hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare. So he was looking bewildered, that foreigner, bola ye achanak kya ho gaya. But devotee, and one time a devotee was traveling, aur wo japa karte karte wo, और देखो ट्रेन में अगर है तो बहुत ही ऐसे माहौल ऐसे बन जाता है, फीड बैग इन हैंड, ट्रेन इज मूविंग एंड यू आर चैंटिंग, वन माला टेक्स वन आवर, है ना, पर्सन स्लिप्स. सो वन डिवोटी वाज गोइंग विद हिम, तो बाजू वाला बोला, देख देखो तुम लोग जपा करते करते सो रहे हो, और सोते सोते जपा कर रहे हो. ये डिवोटी भी बड़ा शार्प था, वो बोला, अरे वो सोते सोते जप कर रहा है, तुम तो जगते हुए भी जप नहीं कर रहे हो. जरा जप करो, हरि नाम करो, तो सोते सोते भी आनंद है, जप करते करते आनंद है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, लाफिंग, नॉट टू बिकम मिजरेबल, नॉट टू बिकम सैड, क्या होगा. Krishna is chinta hari, not chinta kari. So they are laughing like anything. And what Krishna did? Madhumangal drank chhach, or aise kiya, chhach pura bhar liya. And Krishna, somebody slapped on his cheeks, and whatever he had in his mouth, it came out. And what happened? Krishna drank that stream of chhach. And who was watching this? One great personality of this world, this universe, who came in Lufthansa airplane. What is Lufthansa? Yes, Luft means air, and Hamsa means swan. So who came on Lufthansa here? Brahmaji. Brahmaji watching this. Are, ye kya? Is he a supreme person? Are, unka bhog hum khate hain. प्रसाद के रूप में है कि नहीं, किसी ने, है ना, आप ऐसा तो नहीं करते ना छिपरी के जैसा कि बेस में पहले खा लिया और भी, अरे भगवान आप ले लो. वी डोंट डू दैट, फर्स्ट वी ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन वी हैव इट. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, कृष्णा इज ड्रिंकिंग नॉट इवन डायरेक्टली, महा महा डैड बिविल्डर्ड ब्रह्माजी, बोला ये क्या, ही इज ड्रिंकिंग झूठा, समवन झूठा, बोला हाउ कैन दिस बी गॉड, तो मुझे कुछ तो टेस्ट करना चाहिए. एंड
टेस्ट कृष्णा, कृष्ण को टेस्ट करके देखते हैं, है ना? कौन ब्लंडर नहीं करता है? एवरी वन ऑफ अस टू अर इज ह्यूमन। गलती तो सबसे होती है ना, गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव ही है। गलतियां कीजिए लेकिन किसी का गलत मत कीजिए। गलतियां 100 गलतियां माफ, लेकिन लर्न नॉट टू डू सम हार्म टू सम। किसी का गलत मत कीजिए। ये है भक्त। भक्त मीन्स व्हाट? अ वैष्णवा इज दैट पर्सन हु यूनाइट्स, हु डजंट डिवाइड। वो डिवाइड नहीं करता है, सेपरेट नहीं करता है किसी को। ही ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। सो व्हेन ब्रह्मा जी सॉ दिस, ही वांटेड टू टेस्ट कृष्णा, and that blunder he made. So he took away all Krishna's friend, and Krishna was searching, where are my calves? He also took away those calves. While he, by the time he comes back, फिर से return आते हैं, तब तक उन्होंने गोपों को भी चुरा लिया, सब एक जगह पर जाके रखा रख दिया। But Krishna understood, so Krishna manifested, and that Leela took place, Brahma Vimohan Leela. After blunder, when Brahmaji saw, hare, Krishna, I had stole all these calves and gopas of Krishna, still they are there, how come? So he got bewildered, they are also here, duplicate, it's same to same. जुड़वा, द ओरिजिनल जुड़वा कृष्णा क्रिएटेड, एंड ब्रह्मा जी गॉट बिविल्डर बाय सीइंग दैट जुड़वा। एंड देन ही रियलाइज, आई मेड अ बिग ब्लंडर, आई मेड अ बिग मिस्टेक इन माय लाइफ, लॉर्ड ब्रह्मा जी रियलाइज। सो दिस इज अनदर थिंग, आपने मिस्टेक किया है कोई बात नहीं, लेकिन उसका रियलाइजेशन अगर हो जाए और उस पर अगर हम कार्य करें, इफ वी एक्ट ऑन दैट मिस्टेक, देन इट इज फॉरगिवन, देन इट इज पार्डन। ब्रह्मा जी रियलाइज दिस, एंड व्हाट ही डिड, ही केम टू आस्क फॉरगिवनेस। यहां पर आए ब्रह्मा जी, कृष्ण के पास गए और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, क्षमा कर दीजिए। बट कृष्णा वोंट लुक, कृष्णा देख ही नहीं रहे उनके पास। हालांकि ये अल्दो ब्रह्मा जी हैड जस्ट टेकन अवे ऑल द डिवोटीज ऑफ कृष्णा एंड ऑल द काप्स अवे फ्रॉम कृष्णा, द मिस्टेक वॉज नॉट बिग इन वन सेंस, वॉट मिस्टेक इंद्रा हैड डिड, इंद्रदेव हैड डिड, वॉट इंद्रदेव हैड डिड, he wanted to kill all the Vrajvasis, he wanted to kill all the cows and calves of Vraj. So Indra's mistake, Indradev's mistake was much more grave and worse than Brahmaji's. Brahmaji had just taken them away, but still Krishna was neglecting Brahmaji. The biggest punishment if someone can give to someone is neglect. You neglect means what? You don't even recognize that person's existence. Tu gali de de chalega, tu maar de chalega, but if you neglect someone, means you question mark his existence. And that Lord Krishna did with Brahmaji. He neglected his existence. देख ही नहीं रहे ब्रह्मा जी।
जो मेरे अंग है ना, ये मेरे अंश है, ये अपने इंद्रियों से, अपने मन से संघर्ष कर रहे हैं, है ना। वी ऑल आर डूइंग संघर्ष, स्ट्रगल कर रहे हैं। सफलता में वो लोग आपके साथ होते हैं जिन्हें आप चाहते हो। क्या सफलता में आपके साथ वो लोग होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन संघर्ष में वो लोग आपके साथ होते हैं जो आपको चाहते हैं। एंड कृष्णा एंड डिवोटी आर दोज पीपल हु ऑलवेज स्टैंड विद योर संघर्ष। कृष्णा नो संघर्ष कर रहा है, ही स्ट्रगलिंग हार्ड, है ना। हमारा अंग है, अंग मीन्स लिम्ब। अगर आपके उंगली में अगर दर्द हो जाए, है ना, तो आप क्या करते हो, उसको साइड में निकाल के रख देते हो, हाँ, काट देते हैं, चलता बहुत परेशान कर रहा है। आपके अगर पैर में दर्द हो रहा है तो आप काट देते हो, काट देते हो क्या, अरे पैर बहुत दर्द कर रहा है यार, कट कट, बहुत परेशान कर रहा है। नो, यू डोंट कट व्हेन थिंग्स आर ट्रबलिंग यू। व्हाई? बिकॉज यू लव देम। इट इज अंग, द पार्ट ऑफ द बॉडी। सो व्हेन लिविंग एंटिटी ट्रबल्स कृष्णा, स्टिल ही कॉल्स देम अंग। ये मेरे अंग है, ये मेरे अंग है, तकलीफ दे रहा है, इसको रिपेयर कर देंगे, है ना। व्हेन थिंग्स आर ट्रबलिंग यू, यू डोंट कट देम, यू रिपेयर देम, रिपेयर कर लेते हैं, चलो यार ठीक हो जाएगा, थोड़ा गोली ले लेते हैं, थोड़ा मुंह लगा लेते हैं, आईडेक्स लगा लेते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं, चलेगा, ठीक चलेगा। सिमिलरली गॉड, है ना, always this we have heard many times, God means gives and forgives, and man gets and forgets, लेते हैं और भूल जाते हैं। कितनी बार हमने शपथ ली है कि भजन करूंगा तुम्हारा, तू भूल गया रे तेरी बदली नजरिया, यू हैव चेंज्ड, यू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड, बट कृष्णा फॉरगिव्स। सो ही सॉ ब्रह्मा जी इज आस्किंग, ही इमीडिएटली फॉरगिव, क्षमा कर। ब्रह्मा जी स्टार्टेड अश्रुधार आ रहे थे, चार उनके सिर है, चार मुखों से। एंड देन ही बेग टू लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा काइंडली ब्लेस मी टू बी माउंटेन इन दिस प्लेसेस। ये चार हेड है मेरे, यहां पर चार पर्वत बन जाए, और आपकी चरण धूली, और ना ही आपकी चरण धुली, आपके भक्तों की भी चरण धुली मेरे सर पर हमेशा सस्ती रहे। इट शुड डेकोरेट माय हेड विद द डस्ट ऑफ द डिवोटीज लोटस फीट एंड योर लोटस फीट, ओ कृष्णा प्लीज मेक मी माउंटेन। कितना लोग पर्वत बनना चाहते हैं, बहुत लोग पंछी बनना चाहते हैं, मस्त गगन में उड़ना चाहते हैं, पर्वत कोई बनना चाहते हैं। But here, Brahma ji is asking, and what we have walked today, जिसके भूतल पर हम चल रहे थे, वो ब्रह्मा जी का सिर है। So Brahma ji's forehead here, they became Bhangad, Mangad, Dangad, and Vilasgad. So where
sitting here today, this is Bamgarh. And here is the place of Srimati Radharani. We have here Kushal Bihari Mandir here and Lali Lal Mandir there. So these are the Brahmaji's four head. Which is the original home of Krishna? Nandagaon. They would stay just, hum abhi iske baad jayenge. Nandagaon is the original place where Mother Yashoda and Nanda Maharaj used to live. They have their palace there. And in Nandagaon, Mother Yashoda and Nanda Maharaj, they did not have a child. Unko koi santan nahi. And here, this Vrishabhanu, this is Bhangar, which is came to be earlier, it was known as a Vrishabhanugad. Because here, Vrishabhanu Devi and Kirtida Desunga, Kirtida Mataji, Radharani's parents, they would stay here. And they also did not have any santa. So Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they thought we should go to some another place. And where they went? They went to Gokul Mahavan. And there they received that divine child, Krishna, as their son. And seeing that, Nanda Maharaj and Yashoda Devi has shifted to Gokul Mahavan, Kirtita Devi and Vrishabhanu Maharaj, they also shifted to Raval. And there, they received the divine daughter, Srimati Radharani. Radharani ki? Yes. And what Radharani is? Radharani, when she took birth, she did not open her eyes till Krishna came to see her. That is the chastity of eyes. In the morning, when we get up, some people follow this practice. As soon as they get up, they see the beautiful form of Radha and Krishna. Ki bhai, din ki shuruaat भगवान का दर्शन लेकर हो जाए. सो समटाइम पीपल थिंक यार, एक बार आई वॉज थिंकिंग अरे वी शुड गेट अप बाय सीइंग द दर्शन ऑफ राधा एंड कृष्ण. एंड समटाइम पीपल दे कीप स्लीपिंग स्लीपिंग एंड स्लीपिंग. सो आई आस्क्ड वन टाइम, अरे क्या उठ नहीं रहे हो, क्या बात है? बोले आई वॉज वेटिंग टू फॉर ड्रीम. इन ड्रीम आई वॉन्टेड टू सी राधा एंड कृष्ण सो दैट माई दिन का जो दिनचर्या है अच्छा चला, इसके लिए मैं देर तक वेट कर रहा. बोला अरे मंदिर मंगल आरती में आ जाते तो दर्शन हो जाता. बट वी वेट, ड्रीम में अगर दिख जाए तो कितना अच्छा. सो दिस इज द वेरी प्लेस वेयर राधा रानी वॉज लिविंग, द वृषभानु देवी, वृषभानु एंड कीर्तिदास प्लेस पैलेस. The Lali Lal Mandir, what you are going to take darshan now? We all are going to take darshan there. So that is the very place. And this Kushal Bihari Mandir, which came up, here the deity of Lali Lal was carved by Vajrana, great grandson of Krishna. And because of time, Sakale ne Hameda, it got lost. So one great devotee of the Lord, who was also companion of Sikh Goswami, Shad Goswami, he was Narayan Bhatta Goswami. He was also serving, helping the mission of Chaitanya Mahaprabhu. So he would live in this area of Barsana. And to that devotee, Narayan Bhatta Goswami, to him, Radharani appeared in the dream and told him where my deity is, which originally Vajranabh had. So Narayan Bhatta
entity, an installed entity. So one great king of Rajasthan, he was great devotee of Radha Rani. So he wanted to offer something for Radha Rani. And yesterday Vaisheshika Prabhu was saying, and that principle, utilizing material asset in Krishna's service, what we will do. So this king was great devoted to Radha Rani's service. He built a magnificent temple. Bahut sundar temple banaya. And this Kushal Bihari Mandir was built by him. But a day before installation, he wanted to install Radha Rani in this temple. Day before installation, Radha Rani came in the dream to this king and told him, "You have built this temple, but that is not my original place. Mera asli ghar, asli palace is that temple, what we are going to see. So you install me there." And the king was रेडी. वो बोला, नहीं अरे इतना आपके लिए बनाया और आप मुझे छोड़ने को बोल रहे हैं, ये क्या है? पहले बता देते, इतना लास्ट में आके बताया. बट ही वॉज रेडी, ही वॉज डिटैच. वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, इट इज आई हैव हर्ड फ्रॉम महाराज एंड अदर डिवोटीज, दैट आई एम जस्ट रिपीटिंग दोज वर्ड्स. सो दो दैट प्लेस, देन ही created another temple and Lali Lal was placed there. So this is the Kushal Bihari Mandir, and that place which we are going to visit is Lali Lal temple. Radha Rani's existence is to give pleasure to Krishna. Ladini karai Krishna ananda swadan, ladini ra dwara kare bhakti ra poshan. So Lord Krishna has three energies. One is spiritual energy, another one is material energy, and third one is jiva. We all. So spiritual energy is a ladini shakti, sannidhi and samvit shakti. And material energy is adi bhautik, adi daivik, adi miseries are there. Three gun: goodness, passion and ignorance. This is material energy. Aur iske beech mein hum sab, we all, is the middle, tatastha shakti. We can be in spiritual energy, under the spell of spiritual energy, or under the spell of material energy. That we all have to decide. We have to choose, where do I want to be? Under the material energy or spiritual energy? How many of you have eaten kala jamun? Kala jamun? Subah wala nahi. Aaj mila na? Hari bol. Nahi mila. Anior, ये this is the place of Anior. जितना भी हम देंगे वहां पर गोवर्धन मांगेंगे और isn't it? So काला जामुन, if you see how काला जामुन is made, काला जामुन को हमारे मंदिर में कभी आप आएंगे फेस्टिवल के दौरान सेवा करने, तब आपको देखने को मिलेगा कि कैसे काला जामुन बनता है. खाने में कितना मजा आता है ना? और इवन इफ यू ईट 10, यू फील अरे और चाहिए, मिला नहीं. सो दिस काला जामुन इज फ्राइड, डीप फ्राइड इन द घी. सो व्हेन यू लीव इट इन द घी, उसको यूं घुमाते हैं राइट में लेफ्ट में, उसको छोड़ने के बाद वो नीचे चला जाता है, फिर पकने के बाद ऊपर आ जाता है. Pops up. And where it is been
पे फ्राई करते हैं, नीचे आग होता है और ऊपर वो फ्राई होता है ना। एंड मेनी इन अवर लाइफ दिस हैपेंस, नीचे आग होता है ऊपर आदमी फ्राई होता है। इसके लिए वो टर्म आ गया लगता भेजा फ्राई, यू नो, ए भेजा फ्राई मत करता। सो इन दिस काला जामुन, व्हेन दिस बर्नर है ना हमारे, वो अगर आप आओगे देखोगे स्टोव में ना तीन बर्नर है नीचे। इन सिमिलरली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज रोस्टेड, काला, सबको काला कर दिया है मटेरियल एनर्जी। थ्री काइंड्स ऑफ मिजरीज हैव मेड एवरीवन ब्लैक एंड देयरफॉर अर्लियर वी यूज्ड टू से अरे स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट है ना। What is human, what is modern man? Huh? The modern man's definition is that he is full of stress but still well dressed. The face is crying and heart is crying because of this nature, the material nature which fries everyone like black, kala, hai na? If I give you jamun, that kala jamun without sugar syrup, kitna log lenge? Koi double maangega? Bole abruj ek aur, ek aur. Bola bahut acha lag raha hai. No, kala jamun without sugar syrup, no one would like to have it, hai na? So what is that sugar syrup? Sugar syrup is chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is spiritual energy. That kala becomes kala jamun when it is put into the spiritual energy, sugar syrup. तब जाकर आप बार बार मांगोगे, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। सो लाइफ इज लाइक दैट, वन हैज टू गो थ्रू सो मेनी ट्रबल्स, सो मेनी डिफिकल्टीज, बट मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ माइट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। That is the nature of material world. But when we have a Krishna consciousness with us, when we have devotees around us, that is sugar syrup. The bhakti, the process of devotional service, is that joy, that ananda, which makes life bearable. Not only bearable, but joyful, blissful. In Vrindavan, you cannot expect peace. When Krishna took birth, what happened? So many demons, they came and attacked. So, Brajavasis were not peaceful. Shanti nahi thi wahan par. But they all were blissful. They were not peaceful, but they were blissful. And bliss is independent of peace. And that is what Krishna consciousness. Krishna consciousness means making our kala life as kala jama. That is Krishna consciousness. And Maya can trick you in so many ways. Material energy can trick you in so many ways. We take up to devotional service, we take up to Krishna consciousness, and then there are so many who give up Krishna consciousness with so many reasons. That is Maya's trap, Maya's trick. We all have to understand
The material energy is very, very powerful. But we should also have this faith that devotional service and Krishna is even more powerful than material energy, if we are sincere. In 1 year, Maya says, chhod de. Mala, chhod de. Bhakti, chhod de. And in 1 year, Krishna says, pakde re, pakde re. Ye bhakti ka mazboot jod hai. Pakde re, pakad ke ra, pakad ke ra. Maya is saying, chhod de, kyon pakad ke rakha hai, chhod de. In 1 year, we are hearing that. In another year, Maya is saying, Krishna is saying, pakad ke rakh. So the first trick of Maya is to make devotee feel complacent. Hai na? Uske man mein ek vichar aata hai. Just once. पिछले 2 साल से हाथ नहीं लगाए, एक बार टच कर लेता, एक बार देख लेता, एक बार चख लेता. कितनी बार? जस्ट वंस. एक बार देखने से कुछ होगा? कुछ होता है? कुछ होता है? एक बार खाने से कुछ होता है ना? माया विल से, माइंड विल से कितना? एक बार, है ना? ओनली वंस. योर फ्रेंड विल से, हाँ, अरे एक बार से कुछ होता है, हाँ, अरे ले, हाँ, अरे हैव इट यार. योर माइंड विल आल्सो से कि चल, इतना साल हो गया, एक बार देख ले, कोई देख नहीं रहा है, अरे देख ले यार, किसको खबर होने वाली है. द फर्स्ट ट्रिक व्हेन वी बिकम केयरलेस और वी बिकम कॉम्प्लिसेंट, दिस वन ट्रिक माया टेक्स यू अवे. जस्ट वंस, नो मैटर हाउ एडवांस वी माइट बी, यू माइट बी थिंकिंग अरे आई एम चैंटिंग 16 राउंड नाउ एंड आई एम फुल प्रूफ. अपने को तो माया टच भी नहीं कर सकती. प्रभु जी अपुन अभी हो गया 16 राउंड मीन्स कॉन्करिंग, जय हरि बोल. बट माया गिव्स यू ओनली वन उंगली. इट गोज लाइक निडल एंड कम्स लाइक प्लाउ. खींच लेती है एक, केवल एक, बस एक बार आजा, आजा, एक बार. तुमने क्या बोलना चाहिए? जा, 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 हाँ? नहीं आजा. सो दिस वन मिस्टेक कैन कॉस्ट अस अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस. Although we might be fortunate to have, to come to this stage, but this one thought, Maya can trick you. Aja. Chhod. Chhod. And this is what happened when Putna came. Putna came in the form of a beautiful damsel. And everyone in Vrindavan thought, Are, ये कोई देवी आई है. सिमिलरली वी ऑल थिंक व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ इंटरनेट, व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ और विद फ्रेंड्स हु हैव ऑल काइंड्स ऑफ हैबिट्स, दे कम लाइक और दे एंटर लाइक अ वेरी अट्रैक्टिव प्रपोजल्स. और आपको लगता है अरे ये कृष्ण भक्ति में इसको यूज कर लेंगे ना, एक बार, और मैं तो अभी पावरफुल हो ही गया हूं,
16 माला तो चालू कर दिया हूँ, और अभी तो प्रभु जी भी अपने ऊपर आशीर्वाद दे के रखे हैं। तो क्या क्या फर्क पड़ता है? But Putna came in that way and she took away Krishna. Similarly, we may lose our Krishna consciousness by that trick. क्या? एक बार तू आ जा बस, है ना? झलक है ना? मायावती है, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी नीड टू बी विजिलेंट, we need to be careful where we are interacting, what we are doing, with whom we are there. Mere agal bagal mein kaun hai? This is the first trick. What is that? Carelessness or complacency. Abhi 16 ho gaya hai, abhi mere ko kuch karna nahi hai. The second, if you are not complacent, sometimes Maya will say it is too difficult. Four regulative principles: no meat eating, no illicit sex. बाकी सब छोड़ दो यार, ये तीन follow कर लूँगा मैं. No gambling, no intoxication, no meat eating. But ये चौथा वाला very difficult. It will tell you it is too difficult to practice. It will create hopelessness. You have your own habits and you have your ideals. The reality and ideal things. You see gap. अरे मैं तो ऐसा हूँ, मुझसे नहीं होगा. I don't have a strength to reach there. है ना? Sometimes we feel like that कि अरे नहीं होगा प्रभु जी, है ना? One person came one time, वो बोला, वो resignation letter लेकर आ गया, बोला मैं 16 माला chanting से मुक्त होना चाहता हूँ, ये लीजिए. हाँ, he gave application. Hopelessness. Sometimes you feel नहीं होगा प्रभु जी, शायद आपके लिए होगा, शायद उनके लिए होगा. वो वहां पर ना, उनके अच्छा एसोसिएशन है, ब्रह्मचारी होंगे तभी होगा. आप उनके पहले ही कितना सारा हो चुका है. वेरी डिफिकल्ट. इट विल क्रिएट होपलेसनेस. दैट इज अनदर ट्रिक. It will tell you, Maya will tell you, the mind will tell you, कि you are useless guy, कोई काम का नहीं है, पहुंचेगा नहीं तू, इतना दूर है, क्यों इतना तकलीफ करता है, मजा कर ले, ये भी जाएगा नहीं तो ये भी चला जाएगा, इधर भी मजा नहीं आ रहा है, उधर भी मजा नहीं, है ना? है ना? धोबी का है कि नहीं? That way you will feel कि अरे नहीं, नहीं होगा. This is another trick of Maya, creating hopelessness in the heart of the practitioner. कि छोड़, छोड़ दे. It will keep telling you छोड़ दे, छोड़ दे. Hopelessness, तू कुछ काम का नहीं है, useless. देख, तू follow करने का try किया, हुआ क्या? कल तूने मंगल आरती में आने का विचार किया था, उठा क्या? कब पहुंचा तू? शयन दर्शन में. देख, तेरे में पॉसिबिलिटी है ही नहीं. इट विल क्रिएट होपलेसनेस. दिस इज अनदर ट्रिक ऑफ माया.
बोल दिया उसने. इट विल मेक यू थिंक. ये वक्त ऐसा है, बहुत गाली देता है. इट्स टू मच बट आई एम द बेस्ट. आई विल कीप डिस्टेंस. आइसोलेशन की भक्ति अकेले में करूंगा, कहीं और जाके करूंगा, भक्तों के साथ नहीं करूंगा, बेस में नहीं रहूंगा. बेस में सब उठा देते हैं और मंगल आरती में नहीं आने के बाद ब्रेकफास्ट भी नहीं देते. जा रहा हूं मैं, है ना, अकेले भक्ति करूंगा. इट्स टू मच टू बी विद डिवोटीज. Sometimes misunderstanding, sometimes criticism. बोलता है ये भक्त काम के नहीं है, कहीं और अच्छे भक्त रहेंगे, है ना. गोलोक वृंदावन वाले, वो वाले जगह पर अच्छे, दूसरे वाले जगह पर अच्छे रहेंगे, ये भक्त सारे सब निकम है. एक भी ढंग का नहीं. So it will tell you, you do and do your bhajan alone. Maya will trick you sometimes. बोलेगी अकेले भजन कर, छोड़ दे भक्तों का संग, छोड़ दे भक्तों से दूर चला जा. And many times I have seen when devotees they are in IYS, they are in youth yatras. And after the yatras, after the their courses, their degrees, their education, they go away from the association of the devotees, thinking that I will be capable to do my bhakti alone. Sola mala to are Prabhu ji, aise makhan ki jaise nikalta hai apna. But when that makhan becomes hard rock, you don't realize. And then finally one day, अगर hard rock हो जाता है chanting, what happens? You keep mala aside. And that is what happened with Bharat Maharaj. That he started practicing his devotional service in isolation. One of the reason was this. No one was there to correct him. So isolation is dangerous. So don't think, अरे ये भक्त ऐसा है, ये भक्त वैसा है, ये गाली देता है, ये ऐसे बोलता है, प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्ट है. But that is for upliftment. So no isolation, no distancing. Maya will tell you, you can chant alone. You are capable of doing. No, you remember that story. अकेली लकड़ी टूट जाती है, लेकिन लकड़ी अगर साथ में अगर है, बंडल में अगर है, तो नो वन कैन ब्रेक इट. सो योर डिवोशन, योर कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ कैन ओनली बी मेंटेन व्हेन वी आर टुगेदर. एंड देयरफॉर महाप्रभु सेड दिस मूवमेंट इज संकीर्तन. हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे. Maya will tell you, go alone and chant. But no, come in the association and chant. Come in the association and practice. The fourth thing Maya will tell you, that I need to take care of so many problems and situations of life. We all go through so many situations, so many problems, so many difficulties in our life, isn't it? And then Maya will tell you, first you solve this problem. प्रॉब्लम आई इज आउट देयर. प्रॉब्लम बाहर है. प्रॉब्लम वो जगह के साथ है. प्रॉब्लम वो डिवोटी के साथ है. इट विल टेल यू, द माइंड विल टेल यू, द मटेरियल एनर्जी विल कीप टेलिंग यू कि प्रॉब्लम इज आउट देयर एंड यू विल बी बिजी इन सॉल्विंग ऑल दोस प्रॉब्लम. यू विल बी बिजी टू करेक्टिंग पीपल अराउंड यू, करेक्टिंग थिंग्स अराउंड यू, करेक्ट
situation around you. It will keep you busy in that mood, you know. अरे नहीं नहीं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, वो सिस्टम को करेक्ट कर लेता हूँ, वो चीज को करेक्ट कर लेता हूँ, वो प्रभु जी को करेक्ट कर लेता हूँ. You will think problem is out. And therefore, Maya will keep you busy, not to improve yourself, but to prove yourself. So you have to decide. We all have to decide not to fall for such trick. We have to work within. Problem is not outside. Problem is inside. Once Radhanath Maharaj has said that mind is the biggest enemy. Mind is the biggest enemy of living entity, but most of the people love to have faith in that enemy. So we will not work on ourselves, but we will start focusing on others. This is called divergence. It will divert your attention to some other thing. And finally, another way Maya can trap you, trick you, is ego, pride. When someone becomes proud of his achievement, his success in spiritual life. Prabhu ji, पिछले 5 साल से जपा कर रहा हूँ, without breaking any rules, every day attending मंगल आरती. है कोई ऐसा प्रभु जी? एक भी बच्चा है इधर? स्पेशल ना, स्पेशल सोल प्रभु जी, स्पेशल सोल ना. The ego can trap. And many times this happens. One becomes proud of his success. Sometimes some of you might become more popular. But popularity is not equality of purity. Have we worked on our ego? The path of love is made of humility, dainya. So love is decorated only when there is a dainya, humility. And that is what, when Indradeva became proud of his power, Krishna did not like it. So whatever our achievement might be in this world, बोलेगा डिवोटी बनने के बाद देखो क्या क्या अचीव कर लिया. इफ यू बिकम प्राउड एंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग आई एम बेटर देन दैट डिवोटी, आई एम बेटर देन दैट प्रभु जी, अरे मुझे कुछ जरूरत नहीं है अभी प्रभु जी की, मुझे कुछ जरूरत नहीं है अभी किसी और की. अपन तो अभी 10 साल हो ही गया, सब कुछ मालूम तो है, व्हाई शुड आई सरेंडर. जब हम ये सोचते हैं देन Maya is, you have become equally susceptible for Maya's allurement. Even though you might be chanting 16 rounds or 64 rounds or 128 rounds or even 192 rounds, उसके ज़्यादा तो जा नहीं सकते. That is the trick of Maya. And therefore, we have come here to this place to take shelter of spiritual energy. So the first thing which Maya creates is chhod de, but here we get that strength to remain attached to the process of devotional service, holding on to the devotional service, pakde rahe. And mothers are more merciful, hai ki nahi? Ghar par papa ke saath baatcheet kitna hota hai? 2 मिनट. कैसा है, क्या है, बस. हाँ ठीक है ना. हाँ मम्मी के साथ 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट. व्हाई?
so much of care, so much of mercy from mother, you know? And mother takes so many things for all of us. And therefore in English, the word is M-O-M, है ना? Mom. अगर उसको उल्टा कर दे आप तो क्या हो जाता है? Wow. Mom is? Wow. And that is what Radharani is. We have come here to seek her mercy. Mother's mercy. Krishna says, Sarva dharman parityajya mamekam sharanam raja aham tam sarva papebhyo mokshayishyami ma sucha. Krishna कहते हैं कि अरे तू छोड़ दे सब कुछ, मैं तेरी रक्षा करूंगा. And what Radharani says, मैं तुझे उससे रक्षा करूंगा, कृष्ण से. I will save you from everything. Radharani will save. Radharani saying, I will save you from him. Why? He has so many conditions. Condition के बिना वो देते नहीं है. But I will be merciful. And therefore we seek shelter of Radharani. Barsana is the dham. Barsana means what? Barsana, जैसे पानी बरसाना, फूल बरसाना, है ना? फूल बरसाओ, याद आया? है ना? Here राधा रानी is showering कृपा, कृपा बरसाना, कृपा बरसाना, कृपा बरसाना. And that is what mother's heart is. So we'll quickly complete 2-3 more stories about these places. So here another place, now this is Bhangad, and there is also Mangad. And in this place where we have just visited, Krishna is dressed as a gopi and Radharani is dressed as a gopa. So here, a very close to this place is known as the Sankri Khor. And there, Radha and Krishna and all the Gopa friends and Gopi friends, they would perform so many pastimes. That place is very small. Only one person can pass. So all the Gopis there, when they would carry all the butter, buttermilk and all those ingredients, so all the Gopa friends of Krishna, and they would stop them. And they would collect taxes from it. They would say, we are the representative of king of this place and we want taxes. And we are collecting because you are going to sell all this makhan and chhach, dahi and mistri, all those things. We are here to collect. And they would every day take their cut, you know, taxes. One day, all the friends of Radharani, and they thought, we should take revenge. They are every day taxing us. So they all came together. And when they, these boys, the gopas, they all were there, they came from behind. And so many gopis that they came, they held each and every gopa. And one gopi was holding two, three gopis were holding one gopa. And they tied their sika to a rock. They tied their hands, everything. And Krishna was also bound. His sika was bound to a rock. And they were saying, you every day you collected tax from us. Now, we will collect tax from all of you. So they made them to wear, and bole, tax collector, tax profession is only of male. है ना, केवल आदमी लोग ही उसको कलेक्ट करते हैं. तो हम आपका वेश लेंगे, वी विल टेक योर ड्रेस एज अ टैक्स कलेक्टर एंड यू ऑल विल टेक
Dada Nain said, this will be the tax for all of you. You will have to wear Gopi Vesh. And we all wear Gopa Vesh. So here, there are paintings. And in one of the paintings, three gopis are holding Krishna and making him wear Gopi dress. Unka ek pair wo dress mein hai aur ek pair bahar hai. So, abhi idhar baad mein dekh lena. Abhi nahi dekhega. So there, that is the place of Dan Bihari Mandir. So we all took darshan. There is another one place is Mor Kutir. That is Mahangad. And Mahangad is what? Where? Radharani is that which is ready to please Krishna in all the ways. Krishna ko jaise bhi prasannata mile. And Ladini karaye Krishna ananda aswadan. So the way Krishna is pleased, she is ready to perform accordingly. That is the mood of Radharani. And that is what Prabhupada had. One time, Prabhupada ji was just beginning days in 1966-67. Prabhupada in New York. And there, he meets a very new devotee. They have just had a hippie culture. And now, they have become devotees. So one of the devotees was Govinda Dasi. These were earlier. And that day happened to be Prabhupada's appearance day, birthday. And now these all Western devotees, they were not knowing what to do, what not to do for Prabhupada. So they had a traditional way, their way, ki cake banao, mombatti lagao, aur bujao. And you ask, make a wish. And a bujhate bhakti. So that day, when Govinda Dasi, Govinda Mataji, when she saw that, oh, today is Prabhupada's birthday. So she prepared a beautiful cake. And she put so many candles on the cake. So Prabhupada asked, what is this? So she said, Prabhupada, this is cake. And Prabhupada asked, what am I supposed to do? So she said, Prabhupada, you have to blow this candle and make a wish. And you need not have to tell your wish to me, to any one of us. So, she brought the mombatti, jalaya gaya, the candle went, lit up. And Prabhupada, in one go, and all the mombattis, and Prabhupada looked at the Govindasi and asked her, kaise kiya maine, buda hokar bhi? And she was clapping and she asked, Prabhupada ji, Miss Prabhupada, you must have made a wish. You need not have to tell me. So Prabhupada said, why shall not I tell you? I have a wish. I have made a wish. And my wish is only one thing. I just want to serve Krishna. This way or that way. My only wish is to serve Radha and Krishna. And this is what Radharani's mood is. How she wants to please Krishna. What it needs to do, she is ready to do. So Krishna becomes happy by becoming angry. So she becomes angry. So one day, of course these are very esoteric pastimes. But this is what the mood, we should learn the mood of the devotees. Chahe kitna bhi taklif ho, I will go on performing devotional service. Why? It is not for my pleasure. It is not for my satisfaction, but it is for Krishna's satisfaction. So Radharani became angry. One day, she is expert in singing. You know, just like, kaise rocking singing ho gaya, rocking kirtan ho gaya, Jai Sachinanda Prabhu ke dwara. Ek baar, Hari Bol! Hari Bol! Jai Sachinanda Prabhu ke liye, ek baar.
So, Krishna here has a sweet dealings. Sweet dealing के लिए क्या लगता है? Sweetness, relationship, है ना? जहाँ पर अधिकार होता है ना? जहाँ पर संबंध होता है, वहीं पर अधिकार होता है ना? और जहाँ पर संबंध नहीं होता है, वहाँ पर केवल व्यवहार होता है, या सवाल-जवाब होते हैं. So here Krishna has all sweet flavors, and he asked her, please teach me. So Krishna is lifelong learner. He told her, please teach me singing. And she taught him how to sing. But Krishna could make mistakes. Eventually, because he did not want to aim the lessons. सीखना ही चाहते थे. And राधारानी अंडरस्टूड, अरे गलती से ये अपने आप ही कर रहे हैं, मिस्टेक जानबूझकर कर रहे हैं. सो शी बिकेम एंग्री एंड शी वेंट टू दैट प्लेस एंड कृष्णा वाज प्रेइंग, कृष्णा वाज आस्किंग हर प्लीज फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव, बट राधा रानी वाज नॉट रेडी टू फॉरगिव. सो देन कृष्णा स्टार्टेड डांसिंग एंड ही डांस सो मैस्मराइजिंगली and all like peacock dance. Immediately Radharani became happy and she also started dancing with Krishna. And that place where they dance like peacock and bees, therefore there is a temple of Radha and Krishna in a peacock dancing pose, and that is a beautiful painting over there. Maharaj has spoken once that this painting is created, done by one blind devotee of Radharani. He was blind and he had that desire. He was serving here, everything, all alone. Nothing was here. So one day, he had that desire, a strong desire. So desire can bring anything. Wherever there is a desire, there is a way, there is a empowerment. So he desired so badly. So one day Radharani came in his dream. He wanted to see. Although he was blind, he cannot see anything outside. But with that blindness, he wanted to see that beautiful form, Radha Krishna dancing in a Mayur Nritya. So Radharani came in his dream and told him that create a painting of our dance. So he said, Radharani, I am blind and there is no paint shop available. I was, and of course tab kuch nahi hai idhar, kya paint available rahe, kaun sa brush available rahe, and I have not even seen the ray of sun in my whole life. How can I paint kaise karunga? So that day Radharani said, you just do it. What Radharani said? Maya also says, just do it. Hai na? Sound similar lagta hai na? But when Radharani says just do it, you get empowerment. Just chant karo. Don't think much. Just be in the association. Don't think much. Just do it. So he started. And with that blindness, he created one of the fantastic, wonderful painting of Radha Krishna having a Mayur form dancing like a peacock. And that place is here. That painting is still there. And in that same place, there was another sadhu. And that same sadhu, at that time, there were so many lions, so many leopards. All these people were living here. All these animals. One of the lion became his follower. In this place,
So lion even got transformed. He took an initiation vow. Lion took an initiation vow, no meat eating. And he would go to beg Madhukari. तो वो मधुकरी वो अपने गुरु के लिए है ना, अर्लियर पीपल वुड डिसाइपल वुड गो फॉर मधुकरी टू द वेरियस प्लेसेस एंड ही वुड ब्रिंग टू गुरु. सो वेन एवर ही वुड गो पीपल वुड बिकम फ्राइटन, अरे ये कौन आ गया, बट ही वुड बी वेरी हम्बल. तृणादपि सुनीचे एंड ही वुड कलेक्ट ऑल दैट मधुकरी एंड वुड गिव इट टू द his guru. So here in this place even lion got transformed. So what to speak of those who are already achieved human form of life? They have a greater chance to transform their life. So this is the place of transformation, and if we take that decision to transform our life, transform our heart, then it is not impossible, because Krupa is already available. One time a father was asking his son that what is 9 into 8, and son said 52. Oh, father ki hai na ta nahi. He gave him a laddu. तो बाजू वाला देख रहा था, अरे उसको लगा कि ये फादर को भी आता नहीं है काउंटिंग. व्हाट इज 9 into 8? हाँ, 9 into 8 कितना होता है? 72 ना. सो ही आस्क्ड, बोला ए व्हाट इज 9 into 8? तो फादर से 72, बट स्टिल योर सन सेड 52, स्टिल यू गेव हिम अ लड्डू. सो फादर सेड यस, यस्टरडे ही वॉज सेइंग 42, टुडे ही सेड 52, 10 बढ़ गया है, 72 के पास आ चुका है ना. सो सिमिलरली व्हेन वी आर गोइंग थ्रू सो मेनी स्ट्रगल, सो मेनी डिफिकल्टीज, वी आर एटलीस्ट माई सेल्फ इन माइनस, दैट बॉय वॉज ऑल्सो एटलीस्ट इन यू, मेनी ऑफ यू मस्ट बी इन प्लस. 72 के काफी करीब होंगे. वी हैव अवर आइडियल्स बट अवर रियलिटी इज समथिंग एल्स. बट दिस गैप कैन बी taken care by the mercy. We have to just endeavor. One day that 72 will be reached. And even if you don't reach, Krishna is not looking for perfect personality. Radharani is not looking for perfection. What Radharani is looking for, your enthusiasm even after failing to go ahead. That enthusiasm is the key to survive with Krishna consciousness. That determination is the key to receive that highest destination. And one day we will reach to that 72. One day we will achieve Krishna prema. And that is this place is all about. So let us pray with all of our hearts, with all of our thoughts, to beg the mercy to Radharani. Where we are lacking is in praying. If we sincerely pray, oh my Radharani, oh Krishna, please let me remain in the devotion, let me perform this bhakti process with all the enthusiasm and with all humility, so that I can serve you the best. This will be our prayers, and this should be our prayers throughout life, this way or that way, no matter what. Shri Radharani ki.